शर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। गाजियाबाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मुरादाबाद के व्यापारी से 15 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर लूट कर फरार हो गया, जिनके कब्जे में पुलिस ने 10.5 लाख रुपए नकद और असलहा बरामद करने से सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को हापुड़ मोड़ तिराहे पर बस के इंतजार में खड़े एक व्यापारी के साथ दो बाइक सवार बदमाशों ने यह कहकर कि ज्यादा रकम को छिपाकर ले जाते हैं, आगे चेकिंग हो रही है, कहीं पुलिस पकड़ ले। इसी बीच उन्होंने व्यापारी से रुपए से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया और उसे हापुड़ मोड़ के पास पार करने के बाद बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी द्वारा इस मामले की सूचना घटाघर कोतवाली पहुंच कर दी। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ऐसे गाजियाबाद से सुनील शर्मा की एक खास रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? कि पिछली 5 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में नए बस अड्डे के पास एक व्यक्ति जो कि अपने गल्ले के पैसे लेके मुरादाबाद जा रहा था, उसके साथ टप्पेबाजी हुई थी। वहाँ पे खड़े कुछ लोगों ने इसे अपने साथ बाइक पर बैठाया और बोल के कि साथ ही मुरादाबाद जा रहे हैं, बीच रास्ते पे ये बताकर कि आगे चेकिंग हो रही है, और इसके पैसे ले लिए और फिर वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई थी, जिसके क्रम में दो बदमाश पकड़े गए हैं, जिनके पास से लगभग 10.25 लाख रुपए अभी रिकवर हुए हैं। एक और इनका साथी है जो कि इस घटना में शामिल था, वो अभी फरार चल रहा है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कोतवाली की टीम ने बढ़िया काम करते हुए इन दो बदमाशों को पकड़ा है और इनके पास से पैसे रिकवर किए हैं। पर इनका कोई और भी पहला आपराधिक मामला है? इनमें से एक व्यक्ति है जो कि पहले थाना कवि नगर क्षेत्र से गृह बहिर्गमन में चोरी में जेल जा चुका है।